तो टीरा से मैंने अभी काफ़ी सारा स्किन केयर ऑर्डर किया था मोस्टली फेस वॉशेस हैं बिकॉज लाइक माइ फेस वॉशेस व गेटिंग ओवर एंड आई वॉन्टेड टू यू नो ट्राई आउट सम न्यू फेस वॉशेस द फेस शॉप ब्रांड है उस ब्रांड पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था तो मैंने उस ब्रांड से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल आई विश इट वॉज बट इट इज़ नॉट तो चलो फटाफट से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है तो सबसे पहले मैंने मंगाया है ये राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लेंजर नाउ जो ऑयली स्किन गर्लीज हैं, उनको ये फेस वॉश बहुत ज्यादा पसंद आता है फॉर सम रीजन बट एज यूज नो आई येट मेरे स्किन केयर के साथ ना मैं काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहती हूँ लाइक इफ़ सम प्रोडक्ट्स वर्कआउट फॉर मी आई कीप री दोज ओनली इसीलिए मेरे मोस्टली रिकमेंडेशन वीडियोज़ में आपको सिमिलर ही ब्रांड्स और सिमिलर प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे बिकॉज आई डोंट एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद माई स्किन बिकॉज यू गाइज नो दैट आई एम एन ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन एंड लकीली अभी मेरी स्किन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इट इज़ नॉट ब्रेकिंग आउट एंड ऑल आई डोंट वॉन्ट टू यू नो मेस दैट अप इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने स्किन uh, केयर के साथ बट दिस टाइम आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट यू नो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सी इफ़ दे आर वॉर्थ द हाइफ तो मैंने यही जो फेस वॉश है ये दो मंगाया बिकॉज कॉम्बो में आई वॉज गेटिंग अ बेटर डील दैन आई गोट अनादर फेस वॉश इट इज़ देयर ऑफ डे थ्री सिक्सटी फाइव मास्टर ब्लैंडिंग फोमिंग क्लेंजर नाउ अगैन इट इज़ अ फोमिंग क्लेंजर एंड ऑयली स्किन के फोमिंग कलेंजरस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड दिस वन इज़ इन द वेरियंट लेमन एंड ग्रेप फ्रूट सो आई एम गेसिंग कि ये अच्छा होगा ऑयली स्किन के लिए एंड इट इज मेंट फॉर ऑयली स्किन ओनली बाय द फर्स्ट लुक ऑफ इट एंड इनकी जो पैकेजिंग वगैरह है इट लुक्स प्रॉमिसिंग बट अभी आई नीड टू ट्राई दम आउट एंड देन रिव्यू इट उसके बाद मैंने मंगाया इनका काफी ज्यादा जो वायरल प्रोडक्ट है दिस इज द राइसमाइड मॉइस्चराइजिंग इमालशन की एंड दिस रेंज इन इट सेल्फ इज वाइट पॉप्युलर क्योंकि इसमें राइस सेरामाइड्स हैं एंड यू गाइज नो हाउ गुड दैट इज़ फॉर आर स्किन लाइक राइस भी एंड सेरामाइड्स uh, भी दोनों ही आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड दे आर लाइक द ट्रेंडिंग इन्ग्रीडियंट्स इन आर स्किन केयर दीज डेज तो मैंने ये ट्राई आउट करने के लिए मंगाया है बिकॉज इट इज़ एन इमालशन तो ये ऑयली स्किन पे भी जाएगा अच्छे से एंड इट कैन बी अ गुड स्टेप फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो जस्ट बिफोर योर मॉइस्चराइजर इफ़ यू वॉन्ट दैट एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन एंड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा सो मी बिंग एन ऑयली स्किन टाइप एंड माई मॉम बिंग अ ड्राई स्किन टाइप वी बोथ विल ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट एंड सी कि ये किस स्किन टाइप के लिए कैसा परफॉर्म करता है एंड वंस आई एम यू नो डन यूजिंग इट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स आई विल लेट यू नो हाउ इट

ऑल एंड ऑल आई लव इट एंड ये सिर्फ फ्री बी में नहीं आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो दिस स्ट इज़ अवेलेबल फॉर परचेज ऑल्सो तो ये गिफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा इफ़ यू वॉन्ट टू गिव लाइक अ क्यूथ स्किन के गिफ्ट तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होगा बट uh, ये काम कैसा करता है वो अभी मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैवन स्टार्टिड यूजिंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक द ऑल वीडियो फर्स्ट ऑफ कोर्स सो ये इनका सीरम है द थेरेपी वीगन ब्लेंडिंग सीरम एंड कॉमेंट्स में बताना इफ़ यू वॉन्ट लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो तो मैं शॉक बना सकते हो इस रेंज uh, पे एंड दिस इज़ द टोनर दैट यू गेट मतलब क्वांटिटी काफी सारी आपको मिली है इट इज नॉट लेस क्वांटिटी में गंजूसी नहीं करी ऑल द मॉइस्चराइजर यू डोंट गेट मच भले ये इतना बड़ा दिख रहा है बट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज ओनली इतना सा सो द मॉइचराइजर इज़ वेरी लेस इन क्वान्टिटी बट अगेन वी नीड टू ट्राई इट आउट टू सी कि ये कैसा है एंड या दैट वॉज बेसिकली ऑल दैट आई गॉट नाउ मूविंग ऑन टू मेकअप इसीलिए मैंने वीडियो कम्बाइन कर दी थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ लॉर्ड ऑफ थिंग टू शो फ्राम वन ब्रांड तो मैंने दोनों ही अनबॉक्सिंग और हॉल एक ही वीडियो में कर दिया दिस इज द करवा चौथ किट फ्राम पारुल गर्ल ब्यूटी नाउ मैंने ये वाला किट इसलिए मंगाया क्योंकि इनके वेबसाइट पर ना काफ़ी सारे अभी ऑफर्स और डिस्काउंट्स चल रहे थे बट दिस किट वॉज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इफ आई मे में से सो एंड आल्सो इसमें जो लिपस्टिक शेड्स मिल रहे थे एक चीज़ को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी शेड्स वही शेड्स थी जो मुझे ट्राई आउट करनी थी सो इट वॉज लाइक अ गुड डील फॉर मी एंड सबसे पहला प्रोडक्ट इस रेंज में हमें मिलता है ये एक सिंदूर किट एंड दिस वन आई गॉट फॉर माई मॉम तो इसीलिए मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया है आई गॉट दिस सिंदूर किट फॉर माई मेकअप वैनिटी एंड दिस सिंदूर इज़ सो गुड लाइक द कलर इज़ द परफेक्ट इन बिटवीन कलर ऑफ रेड एंड मरून बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है एंड आई हैव लाइक बॉट अ लॉर्ड ऑफ सिंदूर For my mom, from Color Bar, from like a lot of different brands, and none of the shades is this pretty. Like, this one is the best in the market right now, according to me. And now, moving on to the lipsticks. So, we have lipstick here, Parul Garg Essentials ki Day and Night Creamy Matte Lip Crayon. This one is in the variant 35 Empress. I the hand swatches, dikha deti ho ho. and this is what the shade looks like. It is a beautiful, like, a रोजी पिंक डस्टी पिंक न्यूड काइंड ऑफ कलर एंड इसी सेम रेंज से हमारे पास एक और लिपस्टिक है दिस वन इज इन देड सिक्सटी सेवन सोशल एंड इट इज सच अ प्रिटी डीप रेड वाइन मरून टाइप ऑफ कलर इट इज सो प्रिटी कल मैंने सारे लिपस्टिक्स अपने लिप्स पर स्वच करे थी एंड आई फेल इन लव विल सूट लॉट ऑफ इंडियन स्किन टोन्स बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है आई एब्सिल्यूटली लव दिस कलर दैन नेक्स्ट हमारे पास ये पारूल गर्ग स्पेशल कलेक्शन की सिल्क मैट लिक्विड लिपस्टिक है इन द वेरियट बर्थडे गर्ल सो ये वाली लिपस्टिक मैंने ओपन नहीं करी एंड इसका सॉरी मैं आपको आज की वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी आई विल सॉच इट इन अनदर शॉर्ट सर समथिंग बिकॉज ये वाली लिपस्टिक मुझे पी आर में भी आई थी एंड आई हैव इट ओपन इन माई मॉम्स रूम एंड आई एम नॉट गो गाउ तो इसलिए मैं इसको भी नहीं खोल रही बिकॉज इट

बोथ ऑफ आस्ट रियली ब्यूटिफुल आई एम लाइक डस्की वीटिश स्किन टोन शे इज फेयर तो ये दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई हैव पिगमेंटेड लिप्स एंड इट कवर्ड इट इन वन स्वाइप तो ये लिपस्टिक्स मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी सेम रेंज से आई है नेड ट्वेंटी इट इज़ अ Very beautiful, dusty, rosy kind of a colour, and this is what the shade looks like. I'm not swatching it in the mo most aesthetic way, but anyways, you get the gist. So, this is what this colour looks like. Again, a very, very pretty festive colour. all lip colours are the upcoming festive season. Mein kafi wale like all of these lipsticks. Cream festivities to me. Our last oh. two products that we have, this one is my absolute favorite and something I'm wearing on my lips right now. I'm, I know you guys are gonna. लव दिसड एंडलिएगा इज द पारूलगर का एक्सेप्शनल स्टे मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड जीरो टू फायर लिली नाउ ये ब्राउन न्यूड है एंड इसका जो अंडर टोन है ना इट इज जस्ट परफेक्ट इट इज द मोस्ट न्यूट्रल एंड मोस्ट गॉर्जस बट ये काफी ज्यादा सुंदर है लाइक इट कैन बी एन एवरी डे न्यूड कलर फॉर लॉर्ड ऑफ गर्लीज इफ यू आर समन जिसको ब्राउन लिप्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर दैट परफेक्ट न्यूट्रल ब्राउन न्यूड कलर लुक नो फर्दर गेट दिस वन एंड यून लव इट एंड प्लस ये इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ए ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि मैंने बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगाया हुआ है इन इट कवर्ड माई एंटायर लिप एंड आई हैव पिगमेंटेड लिप्स सो यू नो दैर इज़ दैट एंड टू ये लिप्सटिक मैंने सुबह से लगा रखी है लाइक आई थिंक इलेवन इलेवन थर्टी एम मैंने लगाई थी एंड करेंटली इट इज़ अराउंड फोर पी एम एंड दिस लिपस्टिकज़ इन बस्ट एट ऑल आई हैव इटन विद इट आई लाइक इट हैज़ बीन इंटैक्ट मैंने इसे टच अप नहीं किया है एंड इट डज़ नॉट फील हैवी ऑन माई लिप्स वॉच सो एवर मतलब मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने लिप्स पर कुछ लगाया है इट इज़ नॉट ड्राइंग एट ऑल मैंने लिप बॉम भी नहीं लगाया इसको लगाने से पहले लाइक जो बाकी लिपस्टिक्स हैं ना वो 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 मैंने ट्राई आउट नहीं किया है इसीलिए मैंने आपको उनका कोई अभी रिव्यू नहीं दिया है द लाइक द शेड लुक प्रिटी बट आई डोंट नो हाउ द फॉर्म्यूला इट बट दिस वन इज़ रियोली रियली गुड द एक्सेप्शनल्स स्टेम एट लिक्विड लिपस्टेक इज अमेजिंग एंड स्पेशली आई लव दिस कलर एंड लास्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक एट ऑल एंड मुझे ये ही एक चीज था जो इस कॉम्बो में लेने का मन नहीं था बट ठीक है आई वॉज गेटिंग वैल्यू फॉर मनी सो दिस वन इज़ द पारूगर्क ब्यूटी का डायमंड क्रिस्टल लिप ग्लॉस नाउ मे बी इट माइट वर्क विथ सम लुक्स आई डोंट नो बट फॉर नाउ आई डो नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल वाई इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी प्रिटी लिप ग्लॉस बट इट हैज़ स्ट्रेट अप ग्लिटर्स एंड वो भी कुछ ज़्यादा सुंदर वाले नहीं हैं आई डोंट नो अगर हैंड्स वॉच में दिख रहा होगा बट लुक एट दीज ग्लिटर्स कल मैंने इसे अपने लिप्स पर लगाया था इट हैज़ लाइक अ वेरी पिंकी पीचे वाला बेस एंड उसमें स्ट्रेट अप गोल्डन ग्लिटर है इतना ज़्यादा व्यर्ड लग रहा था ऑल्दो कल मैंने विदाउट मेकअप बेयर लिप्स पर ही ये लगा लिया था तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मे बी किसी लिपस्टिक के साथ एज अ टॉपर इट माइट लुक गुड आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बट अदर देन दिस प्रोडक्ट आई लव ऑल द अदर प्रोडक्ट्स बिकॉज काफी ज्यादा अच्छी शेड्स आई है नाउ मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल लिंक्स तो नीचे आपको दे ही दूंगी प्लस मैं उस कॉम्बो की लिंक भी आपको दे दूंगी जिस कॉम्बो में मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बिकॉज आई गॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ इन ऑन दैट कॉम्बो सो दैट वॉज लाइक अ प्रटी गुड डील तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी यू कैन चेक इट आउट तो मैं वाले प्रोडक्ट्स और पारूगर ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो इफ सो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मुझे कमेंट्स में बताओ कि वॉट आर दीडियो यू वॉन्ट मी टू मेक एंड ये आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन स्टे सेल्दी बाय बाय